सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज के पार्ट 8 में। पहले के 7 पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आज की लिस्ट में ऑलमोस्ट न्यू वाली सारी वेब सीरीज और मूवीज ऐड की गई हैं। जिसमें नंबर 10 पे है सनी लियोने और करिश्मा तन्ना की एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज बुलेट्स। हल्की हल्की कॉमेडी के साथ जिसमें दोनों लड़कियां अपने आप को बचाने के चक्कर में क्रिमिनल्स बन जाती हैं और फिर पुलिस और पॉलिटिशियंस दोनों इनके पीछे पड़ जाते हैं और बस उनके सर्वाइवल की सिंपल सी कहानी है, थोड़े से एक्शन और कॉमेडी के साथ। जो टाइम पास सीरीज है, इतनी खास नहीं है लेकिन टाइम पास के लिए देख सकते हैं अगर और कुछ देखने के लिए नहीं है। और सनी लियोनी है इसमें, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है इस सीरीज़ में, तो 18 प्लस ओनली गालियां ही देखने को मिलेंगी आपको, बाकी और कुछ उम्मीद मत रखना। नंबर 9 पे है मसीहा, या हिंदी में बोले तो मसीहा। एक ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें एक बंदा अपने आप को यीशु मसीह का अवतार बताता है और कुछ चमत्कार और अचानक से कहीं भी दिखना लोगों में एक भरोसा पैदा कर देता है उसके प्रति, और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर हो जाता है और एक सेलिब्रिटी के जैसे सारे लोग उसको जानने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उस पर शक होता है, जिसके चलते हुए CIA इस केस को हैंडल करता है और उसे जेल में डाल देते हैं इंटरोगेशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। देखते हैं इस मिस्ट्री का असल सच क्या निकलता है इस सीरीज़ में। और इस वीडियो को लाइक और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब तो कर ही लो ताकि जल्द से हम दोबारा मिलें। और बाकी और 200 से भी ज़्यादा सीरीज़ या मूवीज़ की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को चेकआउट करें, जिनमें से काफ़ी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नंबर 8 पे है सोनी लिप की हिंदी वेब सीरीज़ JL50, जो क्राइम ड्रामा फैंटेसी मिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें टाइम ट्रैवल भी दिखाया गया है। जब एक प्लेन रनवे से उड़ान भरने के बाद गायब हो जाता है और जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलता, और फिर बहुत सालों बाद वो प्लेन उड़ता हुआ देखा जाता है और फिर वो क्रैश हो जाता है जिसमें सारे पैसेंजर मारे जाते हैं, बस एक पायलट और एक एयर होस्टेस को छोड़ के, लेकिन वो भी अभी कोमा में चले गए हैं। क्या है ये मिस्ट्री, या किसी क्राइम को छिपाने की कोशिश की जा रही है इस प्लेन क्रैश के थ्रू? सॉल्व कीजिए इस मिस्ट्री को अभय देओल और पंकज कपूर के साथ। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ है लेकिन बेस्ट नहीं कह सकते, तभी नंबर 8 पे रखी गई है। नंबर 7 पे है इंग्लिश वेब सीरीज़ पीकी ब्लाइंडर्स। क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसके 7 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसकी कहानी सेट है 1920 के करीब इंग्लैंड में, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ गैंगस्टर्स जिनकी टोपियों में ब्लेड सिले होते थे काफ़ी पॉपुलर हुए, तो जब भी उन पे कोई अटैक करने की कोशिश करता तो वह अपनी टोपियाँ घुमा के सामने वाले को ज़ख्मी कर देते, और ऐसे ही देखते देखते पीकी ब्लाइंडर्स की बड़ी गैंग बन गई। तो आगे उनके साथ क्या होता है ये आप सीरीज़ में देखिए खुद ही। नंबर 6 पे है हिंदी वेब सीरीज़ द कोन गेम, जो 2020 में पूरी की पूरी सीरीज़ लॉकडाउन के दौरान मोबाइल पे या कैमरा से शूट की गई, जिसमें बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर मेन रोल में हैं। और इसकी कहानी है एक फैमिली की जो अलग अलग शहरों में अपने अपने घर में लॉक हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं जा सकता बाहर लॉकडाउन की वजह से। और तभी संजय कपूर की लड़की को पता चलता है कि उसके पति को कोरोना हो गया है, जो किसी होटल में है अभी, और फिर अचानक से उसका पति गायब हो जाता है और हर किसी को यही न्यूज़ मिलती है कि उसका पति कोरोना की वजह से मर गया है और चुपचाप उसको दफना दिया गया है, जैसे COVID-19 में बहुत से लोगों के साथ हुआ, और सारे परिवार में से किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन एंड बहुत डिफरेंट तरीके से होता है जो कोई भी गेस नहीं कर सकता। इस सीरीज़ को मिस मत करना, ज़रूर देखना। आगे नंबर 5 पे है श्रीकांत बशीर, हिंदी वेब सीरीज़ जो सोनी लिव पे दिसंबर में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज़ है, और पहली बार सोनी लिव की क्राइम ड्रामा सीरीज़ ने इतना डिसअपॉइंट किया है। लेकिन एक्शन सीक्वेंस के अलावा बाकी सब बढ़िया है सीरीज़ में, सबकी बढ़िया एक्टिंग है, बट एक्शन जो 90s की मूवी में भी इससे बढ़िया होता था। स्टोरी लाइन बढ़िया है लेकिन थ्रिल बाकी टॉप की सीरीज़ जैसा नहीं है, और एक्शन में VFX और कैमरा एंगल्स बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, जिन्हें देख के हंसी निकल गई मेरी तो।
नंबर चार पे है मैक माफिया, इंग्लिश वेब सीरीज है लेकिन हिंदी डब में भी अवेलेबल है। यह क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, जिसका नाम है मैक माफिया जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। नाम में माफिया है तो इसकी कहानी भी जाहिर है माफिया की ही होगी, और कहानी घूमती है एक यंग बिजनेसमैन के इधर उधर, मतलब इर्द गिर्द, जो एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन वो गलत काम से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन एक खून होने के बाद उसकी फैमिली बाकी माफिया की नज़र में आ जाती है, और अब उसका परिवार है खतरे में, और अपने परिवार को खतरे से बचाने के लिए उसे वापस आना पड़ता है और खुद माफिया का हिस्सा बनना पड़ता है। और इंडियंस के लिए खास बात यह है कि इस सीरीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखने को मिलते हैं उन गैंगस्टर्स के इंडियन पार्टनर के रोल में। नंबर तीन पे है गन्स अकिम्बो, जो इंग्लिश मूवी है, हिंदी डब में अवेलेबल है। बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, बहुत टाइम के बाद ऐसी मूवी देखने को मिली जिसमें मैं पूरी तरह से खो गया जब तक मूवी खत्म नहीं हुई। एक्शन की कोई कमी नहीं है और एक्शन देखते देखते हंसी भी आएगी, हीरो की तरसयोग हालत को देखते हुए। बेस्ट अंडररेटेड मूवी है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला। नंबर दो पे है पावा कन्हैगर, साउथ की हिंदी डब एंथोलॉजी वेब सीरीज है, या वेब मूवी भी कह सकते हैं, जिसके चार पार्ट्स में अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं, और यकीन मानिए चारों कहानियां कमाल की हैं जो आपको बांध के रखेंगी, जिसमें इंडियन कल्चर के कुछ कड़वे सच दिखाए गए हैं जो अभी भी गांव वगैरह में होते हैं, जिसमें इज्जत के नाम पे कैसे रिश्तों का गला घोटा जाता है और आज़ाद होने के बावजूद भी हमें सोसाइटी और कम्युनिटी की गुलामी में रहना पड़ता है। और मैं इस सीरीज़ को रेकमेंड करता हूँ ज़रूर देखना, कि कभी कभी हमारे अपने भी दो चेहरे लेके घूमते हैं, प्राय लोगों की तो बात ही क्या करनी। नंबर एक पे है हिंदी वेब सीरीज़ कौन हु डिड इट, जो अभी 2021 में रिलीज हुई फ्लिपकार्ट पे क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है, जो लो बजट बट बेस्ट एक्टर्स और बेस्ट डायरेक्शन के साथ बनी सीरीज़ है, जिसका अभी एक ही एपिसोड रिलीज़ हुआ है जो काफ़ी एंगेजिंग है, जिसमें एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो एक हादसे के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन कुछ पेचीदा मर्डर केस एक लेडी जूनियर ऑफिसर को मजबूर कर देते हैं उस रिटायर्ड ऑफिसर की मदद लेने पे। आगे आप देखिए कैसे कुछ सबूतों और गवाहों की वीडियोस को देख के इन केसेस को सॉल्व करते हैं ये दोनों मिलके, और वो भी एक रूम में बैठे हुए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक तो दबा ही डालो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बाकी वीडियोस देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को ओपन करें और वीडियो के लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियोस चेकआउट करें, और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई लिस्ट नई मूवीज एंड सीरीज की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, और दुनिया में है भी क्या। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।